तो रानू को आपको देख के हुआ होगा थोड़ा अचंभा कि रानू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि रानू यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत सब्ज़ी की तैयारी, सब्ज़ी वब्ज़ी काटना, फ्रूट्स काटना, खाना पीना, इसी में सुबह सुबह का टाइम ऐसे निकल जाता है पूरा। तो अभी खाना खा के जस्ट फ्री हुए बैठे हैं, रानू जा रहे हैं तो प्रफुल का वेट कर रहे हैं। रानू वापस से चिकाड़ा के लिए निकल रहे हैं आज, और आए थे एक दो दिन पहले, तब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं आज आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि रानू आए थे मिलने के लिए। अभी वो वापस जा रहे हैं और मैं पूरे दिन क्या करूँगी वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। और आज मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी है, 9th एंगेजमेंट एनिवर्सरी, तो देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, क्या सच में कुछ सेलिब्रेट हो पाता है या नहीं हो पाता। वैसे 99.9% सेलिब्रेट करने के कोई चांसेस नहीं है, उसके बाद में भी 0.01 जो कीटाणु बच जाते हैं उस उम्मीद में कि चलो कुछ हो सकता है, देखा जाएगा। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप IPL देखते हैं? इफ़ येस तो देखो ही नहीं बल्कि वहाँ पे जाके अपने ओपिनियन देके काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेज जीत सकते हो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड 50+ गेम्स होते हैं जिसमें आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो 365 रुपीज़ आपको बोनस के मिलते हैं। 200+ अदर गेम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर भी आप अपने ओपिनियन देते तो काफ़ी अच्छे गिफ्ट प्राइजेज जीत सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डायरेक्ट कस्टमर 1-to-1 सपोर्ट है। अगर ब्रांड एम्बेसडर्स की मैं बात करूँ तो इसमें सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे कि काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, उर्वशी रौटेला, नवाजुद्दीन सिद्दीक, सुनील शेट्टी। तो आप देर किसकी कर रहे हैं, जल्दी से जाएं डाउनलोड करें और खूब सारे गेम्स खेलें और अपने ओपिनियन देखें, काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीते। सो गो गाइस, बाय, इधर देखो, बाय। क्या कर रहे हैं प्रफुल? मैं काला पड़ गया। ये प्रफुल स्किन केयर बहुत अच्छे से करता है। काला तो मैं अभी से हूँ पर और एक्स्ट्रा ये स्किन केयर करता है। नहीं, धूप की वजह से बचाव करना चाहिए। तो स्किन केयर टैनिंग हो जाए। बाय। TNNIN मेरी एनिवर्सरी है, कुछ लेता ना। ओ, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, बाय। तो सुबह से लेके शाम हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोच बहुत कुछ रही थी करने के लिए, जैसे कि दुकान थोड़ी साफ़ करनी थी, दुकान में सफाई करनी थी, और हाँ झाड़ू लेके आती हूँ, दुकान में सफाई करनी थी, शूट करना था, सोच रही थी कुछ अरेंज करूँ, आज एनिवर्सरी है, मतलब इंगेजमेंट एनिवर्सरी है, और अगर इन केस भरत जी आते हैं तो, नहीं आते तो अलग बात है, पर मेकअप तक नहीं हो रहा मुझसे। खाना खाया, पर आज क्या मैंने क्या किया, आज मैंने व्लॉग एडिट किया है। आज के दिन जो सबसे मोस्ट वेटेड व्लॉग था बेबी शावर का, वो मैं एडिट कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, इस वजह से भी मैं थोड़ी सी बिजी थी और फिर मुझे कुछ काम करने का पता चला नहीं। दूसरा, कन्फ्यूज़न में चल रही हूँ कि मैं बनाऊँगी तो क्या बनाऊँगी आज के व्लॉग में, कि मेरे को करना क्या है। और बाकी नॉर्मल डेज़ में जैसे कि खाना खाया, थोड़ा घूमे, घूमना तो मेरा है ही नहीं, बाहर इतनी धूप है ना, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ ना तो बाहर यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, और गर्मी का असर आप मेरे फेस पे भी देख सकते हो, अच्छे खासे पिंपल्स मेरे को निकले हैं, पानी थोड़ा सा कम भी पीने में आया है इस वजह से, पर मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी अपना खुद का। और अभी मैं मतलब क्या ही करूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं कुछ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़ मैं ये सोच रही थी कि जो मेरा छोटा कमरा है उसके अंदर जो बेड है वो शिफ्ट करके बड़े वाले कमरे में शिफ्ट कर देते, जो रूम खाली करा है मैंने एक, तो देखते। तो देखो नया काम, मैं तो नहीं, मम्मी ज़रूर कर रहे हैं झाले वाले हटाने का। मम्मी आज मेरी
सगाई को 9 साल पूरे हो गए, तो आप क्या बना रहे हो आज? तो बोला जी बना नहीं क्या जो भी बोलेगी वही। मैं तो क्या ही बोलूं। ये दुकान थोड़ा सही करने के मूड में थे, अभी देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात है। मम्मी कैसी लगी वीडियो? नहीं मैं तो लूंगी। मम्मी बेसन की चक्की भी बना रही है। बहुत ही अच्छी। कितनी बार देख ली अभी तक आपने? शक्ल तो दिखाओ आपकी। 6 बार देख ली है। 6 बार देख ली। ठीक है, पूरा व्लॉग भी जल्दी डाल दूंगी अभी मैं। अच्छा आप बेसन की चक्की बना रहे हो? ठीक है ठीक है। प्रफुल तेरे को जो मैंने लिंक दिया एक बार चला के देखो और मेरे को बता वीडियो कैसी है। चल तेरा रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। मैं देख रही। कैसी थी? खाना खा रहा हूँ। बता तो सही। शानदार। तो शाम के ना 7 बजे हैं और अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि भरत जी आएंगे नहीं आएंगे, पर मैं सोच रही हूँ मैं मेकअप तो कर लूँ। तो भरत जी का इसलिए नहीं हो रहा है फिक्स आने का क्योंकि अभी चल रही है आखा तीज की ग्राहकी, मीन्स हमारे ज्वेलरी शॉप है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो वो नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से, वरना वो आ भी जाते हैं। और दूसरा कि 26 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी है तो वो भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सासू जी और ससुर जी यात्रा पर जाएंगे। तो आज 21 अप्रैल है, ब्लॉग डालूंगी तब तक 26, 27, 28 कितनी तारीख होगी नो आइडिया, बिकॉज मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग अपडेट कर पाती हूँ इस वजह से। और अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि शायद नहीं आ पाऊँगा, बट फिर भी नहीं आएंगे तो भी मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा और रेडी तो क्या ही होना फिर। इस वजह से हम लोग आज 21 अप्रैल को मनाने वाले थे बट कैंसिल हो गया। एक दिन पहले काफ़ी कुछ चीज़ें सोची थी हमने कि हाँ मतलब सेलिब्रेट कर लेंगे, सब लोग आ जाएंगे और अच्छे से मना लेंगे, पर अभी मोनिका भाभी भी पीहर गए हुए हैं और फिर वापस से भरत जी के ग्राह की और रानू आए थे तो वो भी चले गए क्योंकि उनके सासू जी भी उनको बुला रहे थे, उनको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था ना पीहर इस वजह से। तो अब क्या किया जाएगा वो मैं देखती हूँ। तो जहाँ मैं सोच रही थी कि भाई मेकअप करूँगी तैयार होंगी थोड़ा बहुत इस उम्मीद में कि भरत जी आएंगे तो मुझे थोड़ा रेडी हो जाना चाहिए, तो मुझे ऐसी कुछ उम्मीद लग नहीं रही कि भाई भरत जी आएंगे या हमारा सेलिब्रेशन होगा एनिवर्सरी का। तो आई किचन में, मम्मी ने बोला रोटी बना दे और शाम शाम को मतलब शाम सुबह जब भी मेरा मन होता है तब मैं रोटियाँ बना देती हूँ, मतलब रोटी रोटी का काम मैं कर देती हूँ आराम से, रोटी सब्ज़ी ये चीज़ का तो मैं ईजीली लेती हूँ। थोड़ा बर्तन बर्तन नहीं हो पाते हैं, बर्तन मतलब साफ़ करते हुए थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी ये छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत शूट्स का भी कर लेती हूँ। पूरे दिन तो जैसे आप लोगों ने बोला कि मेरा क्या शेड्यूल है तो शेड्यूल में एक दिन आपको अच्छे से बताऊँगी कि भाई मैं करती क्या हूँ यहाँ पर पीहर में। तो रोटी वगैरह बना के मैं ये सोच रही थी कि फ्री हो जाऊंगी उसके बाद में कोई आएंगे गेस्ट या फिर फ्रेंड्स को बुला लूंगी मेरे, तो कैसे भी करके थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लूंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मम्मी ने बना दी है बेसन की चक्की और घड़ी में बच गए हैं 9:15। मुझे नहीं लगता कि भरत जी आएंगे, मैंने खाना वाना खा लिया फ्री हो गई और अब बस हम मम्मी के हाथ की चक्की खा के सो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम हमारी एनिवर्सरी मना रहे हैं आज। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या हर बार ही होता है ऐसा, तो कोई नई बात नहीं है।
तो इस बार भी कुछ इस तरह से मेरी एनिवर्सरी निकल गई। और भरत जी बोल रहे हैं मैं कल शाम तक आऊँगा, बट मेरे को नहीं लगता कि वो आ पाएंगे, तो मेरे जो भी काम हैं अब मुझे ही करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, बिकॉज़ उन लोग का चल रहा है सीज़न, और जो भी चेकअप्स वगैरह हैं वो मुझे खुद ही जाके करवा के आने पड़ेंगे मम्मी पापा के साथ में जाके। और अच्छा नहीं गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा ऐसे तो। मम्मी ने बहुत अच्छी मिठाई बनाई थी, वो हमने खा ली, और आज का दिन काफ़ी बोरिंग निकला। एक तो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ आएंगे थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे करके तो कर ही लेंगे अरेंज, पर फिर बोल रहे नहीं नहीं हो पाएगा, देन कैंसिल हो गया। तो शिट मैन, कैंसिल हो गया। तो यही हम व्लॉग भी एंड कर देते हैं, हम रात के 10 बज गए, और फिर मैं बनाऊं तो भी क्या बनाऊं, मैं क्या ही बोलूं, बस रसगुल्ले खत्म। ये चले हम धीरे धीरे बीच वाले कमरे में। हाय, ये हमारे कमरे में हो गया है कूलर शिफ्ट। सबसे पहले हमारे कूलर के दर्शन किए जाए। ये हमारा सबसे पुराना कूलर है और सबसे ठंडी हवा देता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ ऐसी खटारा टाइप की दिखती है वो ख़राब हो, ये हमारा कूलर इतना बढ़िया है ना कि इसकी इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है जिसकी कोई याद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, मैं दोनों गद्दे एक साथ ले जाऊंगा, तेरे को पता है इन दोनों गद्दों का वजन कितना है? 20 किलो। ये भूत बन के जा रहा है। अरे भाई, अरे रे 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 रे, अरे तू बोतल गिरा देगा, पानी गिरा देगा, लोटा गिरा देगा, सब गिरा देगा। गाउन शूट, डिंग 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 डिंग, टेल गाउन शूट, मैं ऐसे ही मेरा शूट करवाऊंगी। हाँ, दोनों एक साथ लेके जाऊंगा, इतनी बढ़िया वीडियो आई है ना प्रफुल्ल, तेरी देखने लायक है। हाँ हकीकत में, अब ये बेड का जो कर रहा है काम, प्रफुल्ल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन। अरे वो देख, लोटा वोटा सब गिराएगा तो टेबल सब हटानी पड़ेगी ना, रुक एक सेकेंड। हाँ चल ना, हाँ तो ले ना, तेरे को कोई मना कर रहा है क्या? चल चल दे बेड को। गुनगुनाती राहों में, गद्दा ही यही है। डन, ओके। तो एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट हुई नहीं, बट मेरा रूम ज़रूर शिफ्ट हो गया इस दिन। थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा था तो टाइम पास हो गया, थोड़ा मतलब ऐसा दुख भी हो गया था कि मैंने सेलिब्रेट नहीं की, तो अब काफ़ी दिन निकल गए तो अब लगता है चलो कोई बात नहीं, हो गया। कभी कभी नहीं भी मनाई जाती है तो चलता है। आप लोगों के साथ में भी होता ही होगा ऐसा कि कभी मना पाते हो गया एनिवर्सरी, कभी नहीं, तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं खुद समझ गई कि भाई कोई बात नहीं, कभी भी मना लेंगे, चलता है ऐसा, कोई नहीं, बिजी थे तो नहीं आ पाए।